हर्ष वर्मा। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? इट्स हर्ष वर्मा मैम, हर्ष वर्मा प्रणव। हर्ष है, स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है ना, हर्ष से HER है ना? जी मैम, ओके वो स्टार्टिंग से ही वही स्पेलिंग है। ओके। और कहाँ के हो तो बेसिकली, ओरिजिनली कहाँ से हो? मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आई एम करेंटली वर्किंग एज डी डिविजनल अकाउंटेंट इन रुद्रपुर उत्तराखंड। ओके तुम तो टॉपर आ गए यार। जी मैम, और मुझे तो लग रहा था एकदम कोई होगा लड़का जो बहुत खुश, एकदम एक्साइटेड। तुम तो बहुत धीर और शांत लड़के लग रहे हैं मुझे तो। थैंक यू मैम। नहीं, इट्स आई मीन आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो मैंने एग्जाम इसलिए लिखा था कि अगर दिल्ली में कोई पोस्ट मिल जाए उसके लिए बेटर होगा। सो इट्स गुड दैट आई गॉट एमईए। दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी या फिर अब्रॉड पोस्टिंग रहेगी। सो और एज यस कितनी हुई तुम्हारी हर्ष अभी? मैम, आई एम 28 इयर्स नाउ। 28। वाह, तो घर में सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे फर्स्ट रैंकर। नहीं जी मैम बिल्कुल। तैयारी कैसे की है हर्ष, जैसे इंग्लिश की तैयारी कैसे की है? मैम इंग्लिश के लिए तो फॉर एग्जांपल आई वाज ऑलरेडी वर्किंग एज ए SBI PO, तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी। बट आपके जो दो बुक्स हैं, आई स्पेशली वांटेड टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ऑन दोस बुक्स, जिसकी वजह से मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स को काफी फायदा हुआ है। एंड मैं मतलब जब भी मॉक टेस्ट लेता था, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ मॉक्स इन दिस अटेम्प्ट। आई यूज्ड टू सी कि डायरेक्टली अरे हाँ ये क्वेश्चन इस टाइम मनीतो मैम की बुक में आया हुआ है। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी एंड आई कुड फाइंड सच पैरेलल्स इन द एक्चुअल एग्जाम एज वेल, जिसकी वजह से मुझे ये रैंक मिला है। आई फॉलोड योर बुक्स कौन कौन से बुक्स थे, वॉल्यूम 1 और? Volume 1 एंड Volume 2, बट मोस्टली Volume 1। ओके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे किया बेटा? मैथ्स के लिए अगेन मैम मैंने ज्यादातर मॉक्स ही लगाए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरी प्रिपरेशन इसके लिए ऑलरेडी मेरे SBI प्रिपरेशन डेज में हो चुकी थी। ओके तो मैथ्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। ऐसे क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है मैथ्स वगैरह आई का? एम एन इंजीनियर, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ओके तो बेसिक तो कंप्लीट होगा ही, बस बैंक पीओ का प्रिपरेशन की हो तो। रीजनिंग कैसे किया? जी द सेम स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग ऑल्सो, जहां पर भी मुझे मॉक्स में लगता था कि आई कुड डू वेल इन सम एरियाज, मैं उसको यूट्यूब से देख लेता था एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक एंड प्रैक्टिस दोस। ओके और जीएस, जीएस तो अब इंपॉर्टेंट हो गया है। यस मैम, जीएस के लिए मैंने काफी एक्सटेंसिव ऑनलाइन स्टडी की है। सो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिफर किए और उनसे देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि मैंने ऑनलाइन उसको जाके आई यूज टू रिफर दस डायरेक्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके तो पूरा कंप्लीट तैयारी तुम घर से बैठ के, मतलब अपने जॉब के साथ ही की हो ना? यस यस मैम। दिल्ली कब आना होगा? मैम आई ट्राई, आई जस्ट सी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लीव वगैरह का देखना होता है एंड दोज आउट स्टेशन लीव्स ना, वो थोड़ा मैनेज करना होता है। बट आई सी एज सून एज पॉसिबल आई लाइक टू कम एंड मीट यू। जरूर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट से मिलवाऊंगी। सब बच्चे तुम्हें देख के इतना खुश हो जाएंगे, क्योंकि टॉपर उनके लिए है ना एक ड्रीम होता है कि भाई टॉपर, SSC CGL का टॉपर, तो उनके लिए वो तो ड्रीम होता है ना, बेसिकली सिलेक्शन ही ड्रीम होता है। टॉपर होना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड सच कहूं तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एकदम धीर गंभीर लड़के हो, बहुत ही अच्छे हो। तो जरूर आके मिलना बेटा, मैं चाहती हूं कि बच्चे तुमसे मोटिवेटेड हो, और तुम श्योर जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना, बेसिकली हो सकता है हजारों लाखों बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है तैयारी की हो गया, तुम्हारा वो लेवल आ गया, लेकिन तुम्हें देख के कितने बच्चे मोटिवेटेड हो जाएंगे तुम्हें खुद ही नहीं पता। श्योर मैम, डेफिनेटली मैं एज सून एज आई कम डाउन आई विल ट्राई टू कम डाउन ओवर देयर। खुश ओके रहो, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू, बाय थैंक यू मैम, बाय थैंक यू। बाय।